देख रहे हैं कि हम लोग सामान्य रूप से दो तरह दो गुरुओं का नाम अक्सर सुने हैं, एक देव गुरु बृहस्पति का जो देवताओं के गुरु हैं और दूसरी तरफ असुर गुरु शुक्राचार्य का। सामान्य रूप से जो वैदिक काल से हमें सुनने में आता है और वैदिक काल और इमीडिएटली जो पौराणिक काल था शुरू होता है, इन्हीं दो गुरुओं का हमें सबसे पहले जिक्र मिलता है। दूसरी तरफ अगर आप इस स्क्रीन पे ये देख रहे हैं औपनिषदिक गुरु, तो यम से लेके जनक तक और याज्ञवल्क आदि तक की आपको पूरी एक परंपरा दिखाई देती है और सभी के सभी लोग जो हैं वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। नचिकेता यम से ज्ञान ले रहा है, उधर जनक जो हैं वो ब्रह्म ज्ञान पे बार बार चर्चा करते हैं, याज्ञवल्क जो हैं वो तो गुरु है ही हैं, सर्व विद्या को जानने वाले हैं। औपनिष्टिक गुरुओं के बाद हमें तुरंत दिखाई देते हैं पौराणिक गुरु, उनमें भी दो कैटेगरीज हमें दिखाई देती हैं। एक तो कैटेगरी हमें जो दिखाई देती है वाल्मीकि वेदव्यास जो महाकवि भी हैं और वो गुरु रूप में भी हमें दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ वैदिक ऋषियों के रूप में पौराणिक गुरु भी हमें दिखाई देते हैं, जो वशिष्ठ और विश्वामित्र के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल भारतीय परंपरा को परिभाषित करने में दिखाई देता है। उसके बाद फिर हमें सांप्रदायिक गुरु दिखाई देने लगते हैं, वो भी दो कैटेगरीज में दिखाई देते हैं। एक तो जो तत्व के रूप में हमें दिखाई देते हैं, विष्णु शिव शक्ति गणपति आदि, इनको गुरु के रूप में हम सभी स्वीकार करते हैं, और अन्य अन्य बहुत सारी हैं ये तात्विक रूप में। और दूसरी तरफ हमें मानवीय गुरुओं की भी हमें एक विभिन्न कोटियां दिखाई देती हैं, जिसमें जो कोटियां आज तक हमें चलती हुई दिखाई देती हैं, वो चाहे किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हो, किसी विभिन्न मत को स्थापित करने वाले हो, या वो किसी भी प्रकार में विभिन्न कर्मों के कारण वो अपने अपने महनीय व्यक्तित्व के कारण वो हमारे आदर के पात्र बने हैं। और बल्कि यूं मैं कहना चाहूंगा कि वो सभी जो ऐसे गुरु जिनमें चेतना पूरी तरह से अभिव्यक्त हुई है, वो ब्रह्मांडीय चेतना जो है वो पूरी तरह से अभिव्यक्त हुई है, वो गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं, चाहे उनके शरीर जो है वो दैहिक रहे हैं मानवीय शरीर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये मैं चाहता था कि हम इस सारे गुरु का जो एक स्थूल रूप हमें दिखाई देता है परंपरा में भी और व्यवहार में भी, यहां से हम शुरू करके फिर इसके विभिन्न आयामों को देखें। नहीं तो सामान्य रूप से यही अर्थ गुरु का हम ले लेते हैं कि गुरु का मतलब अंधकार और रू जो उसको दूर कर देता है, इस तरह से जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है उसको हम गुरु मान के चल पड़ते हैं, और फिर उसकी ऐसी एक आध्यात्मिक व्याख्या में हम चले जाते हैं कि कई बार वो गुरु तत्व जो है वो अपनी गुरुता को छोड़ करके एक अत्यंत एक मिस्टिक सी फॉर्म ले लेता है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और ये भी नहीं समझ में आता है कि वस्तुतः गुरु किसको हम स्वीकार करें। तो ये सारी बात संक्षेप में मैं आप लोगों के साथ साझी करना चाहता था, और एक और अंतिम स्लाइड दिखा करके मैं आप लोगों के साथ चलूंगा कि भारतीय परंपरा में दक्षिणा मूर्ति जो भगवान है उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है और बहुत मान्यता भी है। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उनके जिस तरह की आकृतियां चित्र हमें दिखाई देते हैं उसमें फिलॉसफी और एस्थेटिक साथ साथ दिखाई देता है। एक तरफ आप उनका चित्र देख रहे हैं जो एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत है, जिसमें बहुत सारे तत्व आपको देखने में मिलेंगे, दूसरी तरफ साथ ही साथ उनका जो श्लोक आप देख रहे हैं उसमें पूरे का पूरा एक दर्शन हमें दक्षिणामूर्ति भगवान का मिलता है कि विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्व स्वामी संबंधतः शिष्य चारितया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्ते नम इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। तो ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को हम प्रणाम करते हुए आज के मुख्य वक्ता को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारे इन चीजों को, हमारे इन जो भूमिका है, इस भूमिका के आधार पर आगे की बात हमारे साथ साझी करें,
इतना हम जानते हैं, इससे अधिक जानने की इच्छा से मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो हमारे साथ अपना वक्तव्य जो है वो आरंभ करें। डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी। ओम हरि ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो समादरणीय सभी श्रोतृबृंद, आप सब लोग को आज के दिन गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और जिस विषय में कुछ प्रश्न डॉक्टर आशुतोष ने मेरे आगे रखे हैं, उन प्रश्नों के संदर्भ में इस विषय में जो भी चर्चा होगी उससे बहुधा आप सब लोग परिचित ही हैं। कोई ये भारतीय परंपरा के लिए कोई नई बात नहीं है, ये नए और पुराने का झंझट हम लोग इसलिए नहीं स्वीकार करके चल सकते क्योंकि जो पुराना है वो नया हो जाता है और जो नया है वो पुराना हो जाता है। इसलिए नए पुराने की कोटियां बनाने की अपेक्षा लोगों ने पुराना पुराण शब्द का प्रयोग कर लिया कि पुरानवम भवती, वो पुरा भी है और नया भी है, वो पुराना होते हुए भी नया है और नया होते हुए भी उसी की उसके अंदर एक पुनर्नवात शक्ति है उस परंपरा के अंदर। मौलिक एक जो प्रश्न जिसके संदर्भ में ये बात आती है वो है कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, कि ये अनादिकाल से आज तक के इस क्षण तक ये स्थिति है कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, ये जो मानवीय ज्ञान है वो कहीं अज्ञान से आवृत हो जाता है, अज्ञान जो है वो उसे आच्छादित कर लेता है, उसे ढक लेता है। तेन मुह्यन्ति, उससे लोग जो है वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मोह शब्द का अगर समानांतर हम कहें तो अंग्रेजी में उसको डिल्यूजन कह सकते हैं। इल्यूजन में और डिल्यूजन में थोड़ा फर्क होता है, भ्रांति का निवारण फिर भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन जब आदमी डिल्यूडेड होता है, मोहित हो जाता है किसी चीज के ऊपर, तो मोहित होने के बाद बुद्धि को उसके जाल से मुक्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस चैलेंज को हमने एक कुछ विशेष व्यक्तियों तक ही इस समस्या को नहीं देखा, हमने ऊपर से लेकर के लोक के अंतिम सिरे तक, ऊपर से लेकर के देवलोक से लेकर के मनुष्य लोक तक सर्वत्र वो उसके उपायों का, उसके पद्धतियों का हमने आविष्कार किया और उसी में इस तरह के सूत्रों का जो चलन हुआ, गुरु उपायः, गुरु ही एकमात्र उपाय है, इसके लिए गुरु उपाय है। अज्ञानेन आवृत, अज्ञान से आवृत जो शिष्य का चित्त है वो डिल्यूडेड है, वो मोहित है, मुक्त है, और इस सम्मोहन से उसकी निवृत्ति कैसे हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये आप ये भौतिक जीवन में भी आप देखते हैं कि पदे पदे हमारे पास ये समस्या आती है और ये समस्या हमारे मनो मानसिक जीवन के अंदर भी, हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर भी ये समस्या बार बार आती है कि बहुत केस जो है कुछ इल्यूजन के अंदर रहते हैं, भ्रांति में रहते हैं, कुछ मोहित होकर रहते हैं
और कुछ लोगों की मानसिक स्थिति और हो जाती है और वो व्यक्ति जो जहाँ फंस जाता है वहाँ से उसके निकलने की संभावना कई बार बड़े निराश कर देती है घर वालों को भी बाहर वालों को भी समाज को भी। और वो अज्ञान कई बार अंधे ने व ये माना यथांधा ये परंपरा हमारी स्वीकार करती रही है कि आंधे पीछे आंधरा सारे कूप उपरंत अंधों की लाइन चली जा रही है और अंधों की लाइन के पीछे अंधे चले जा रहे हैं। तो पहला अंधा जिस कुएं में गिरता है सब पूरी की पूरी लाइन उसी कूप में अंधकार के कूप में चली जाती है। इसलिए इस अंधकार को अज्ञानांधकार की निवृत्ति के लिए ये कहा अज्ञान तिमिरांधस्य, ये बड़ा पॉपुलर श्लोक है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान का जो तिमिर से आंखें अंधी जो आंखें हैं अंधी आंखें हैं इसकी अंधी आंखें हैं शरीर की अंधी आंखें नहीं है बुद्धि की आंखें। बुद्धि भी देवी के रूप में है। तो अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञान के तिमिर का जो एक अंधकार है उस अज्ञान तिमिरांधकार से ढकी हुई दृष्टि को ज्ञानांजन शला गया ज्ञान के आंजन की एक सलाई से एक सलाई के स्पर्श करके आंख के अंदर चक्षुरुन्मीलितम चक्षु का जिन्होंने उन्मीलन कर दिया आंखें खोल दी। इसको लोग बहुत महत्व मानते हैं कि ये ऐसा गुरु की कृपा हुई कि उस गुरु की कृपा से चक्षु का उन्मीलन हो गया। चक्षु उन्मीलन पर्यंत ये यात्रा जो है साधक की भारतीय धर्म साधना की जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है वो चक्षु के जागरण के प्रति चक्षु के अंधकार की निवृत्ति के प्राथमिक इच्छा से लेकर के आंख के चक्षु के उन्मीलन तक आंख के खुलने तक जब तक आंख नहीं खुलती तब तक उसमें गुरु ही एकमात्र उपाय है गुरु उपाय गुरु उपाय। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल इसके अंदर हमारी परंपरा के अंदर कि गुरु को महत्व दिया वो एक पूरा हमारे यहाँ त्रिकोण बनता है। वो त्रिकोण बनता है कि शिष्य जो है उसमें शिष्य के अंदर भी एक पात्रता आती है जिसे हम कहते हैं अधिकारी है वो अधिकारी है उस ज्ञान प्राप्ति का जो इस बारे में जागृत हो गया है कि कहीं उसका भीतर कुछ ऐसा है जो परोक्ष हो करके उसके भीतर कसमसा रहा है लेकिन वो स्फुट नहीं हो रहा है खुल नहीं रहा है और उसका उन्मीलन नहीं हो रहा। तो ऐसा जो शिष्य है ऐसा जो जिज्ञासु है ये परिभाषा तो लोगों ने कर दी भक्ति मार्ग के अंदर भगवद गीता ने कह दिया कि ये चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन हे अर्जुन सुकृति लोग जो है मुझ चार तरह के दुनिया में हैं सबको उन्होंने समेटा और कहा कि यार तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी जो भरत अर्षभ ये कोई बहुत आर्त पीड़ा में दुखी होकर के गुरु के पास चला आता है और कोई उसके अंदर ये जिज्ञासा से उसे जानने की इच्छा है कुछ वो जानना चाहता है उसे पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या हूँ। वो अपने स्वरूप के बारे में जिज्ञासा उसकी होती है संसार के बारे में जिज्ञासा होती है कि संसार का स्वरूप क्या है क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो इतना क्षणस्थायी है इतनी गति से चल रहा है ये संसार कि उसकी उस गति के अंदर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्थिर क्या है नित्य क्या है। तो नित्य क्या है और अनित्य क्या है इसकी जिज्ञासा उसको परेशान कर रही है वो जिज्ञासु है अर्थार्थी। और कुछ लोग अर्थार्थी होते हैं अपने पर्पस के लिए अपने प्रयोजन के लिए वो लौकिक प्रयोजन भी हो सकते हैं। अर्थार्थी का मतलब हम केवल नॉर्मली भाषाओं में यही पढ़ते हैं कि जो पैसे की इच्छा से आता है लेकिन अर्थार्थी के माने एक खुला अर्थ कर लेना चाहिए कि अर्थ का मतलब है पुरुषार्थ प्रयोजनम पुरुषार्थ या प्रयोजन जो है
किसी प्रयोजन से आता है और प्रयोजन के बाद फिर गुरु को भूल भी जाता है। प्रयोजन हल हो गया तो फिर उसको वो प्रयोजन के लिए ही आया था और ज्ञानी ही थे। और चौथा जो जिज्ञासु है, जो अधिकारी है, जिसे हम शिष्य कहते हैं, वो जिज्ञासु जो है वो ज्ञानी है, वो उसमें ज्ञान के अंदर रत रहने वाला है। तो चार प्रकार के चतुर्विधा भजन्ते माम, ये अर्जुन, ये चार प्रकार के लोग हैं जो मेरा भजन करते हैं, मुझे जानना चाहते हैं, मेरे समीप आते हैं। और यहाँ पर कृष्ण जो है वो एक देखें तो भगवान के रूप में बात नहीं कर रहे हैं, वो एक गुरु के रूप में बात कर रहे हैं। ये गुरु जो शब्द है ये थोड़ा परवर्ती मुझे ऐसे दृष्टि में आता है, परवर्ती प्रयोग है। इससे पहले जो वैदिक काल में या उपनिषद काल में जो शब्द प्रयोग होता रहा वो आचार्य शब्द का प्रयोग होता था। वहां पर लोग कहते थे कि देखो ज्ञानी बहुत हो सकते हैं, आप जो मनमानी करने वाले लोग हैं, मन ने जैसा कहा वैसा कर लो। जैसे सिक्खी के अंदर मनमुख कह दिया जाता है कि मन की ओर ही मुख जिसका है, जैसा मन ने कहा वैसा कर लो। और दूसरा गुरुमुख है जो उसके लिए क्योंकि उसके अंदर एक जिज्ञासा है, इसलिए जिज्ञासा है तो वो ठीक जानना चाहता है कि इसमें से ये नित्य और अनित्य के बीच में, सच और झूठ के बीच में मैं किसका आश्रय लेना चाहिए। झूठ का आश्रय लेने से तरक्की तो बड़ी होती है लेकिन विनाश भी बड़ी जल्दी होता है, इसलिए वो नित्य और अनित्य में से उसकी एक होती है। तो उसको तब एक शब्द का प्रयोग बड़ा सार्थक था उपनिषदों में, वो था आचार्य शब्द का प्रयोग करते थे हम लोग। आचार्य शब्द को कहते थे आचार्यवान पुरुषो वेद, हे सौम्य उपनिषद में कहते कि उस परम तत्व को, परमार्थ तत्व को, परमार्थ तत्व हम जोड़ लेते हैं लेकिन इसके अंदर वो ये कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसका आचार्य है, जो आचार्य के साथ बाकायदा जिसने एक क्रम से सीखा हुआ, जिसने विद्या है और आचार्य का अनुग्रह जिसको प्राप्त है, वही इस तत्व में जानने का अधिकारी हुआ है, वही उसी का ज्ञान सफल ज्ञान हुआ है। अन्य लोगों का ज्ञान जो है वो कई बार द्वंद्व में फंस जाता है। इसलिए उपनिषद काल में जो हमारी परंपरा थी उसमें आचार्य शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। और इस आचार्य शब्द को व्याख्या के अंदर ये स्पष्ट किया गया कि आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयति, ये आचार्य कौन है जो आचिनोति शास्त्रार्थम, जो शास्त्रों के अर्थों को, जैसे जैसे माली फूल चुनता है ऐसे अर्थों को, शास्त्र के सारपूर्ण पुष्पों को जो चयन करता है, आचिनोति शास्त्रार्थम, शास्त्रों के अर्थ का जो चयन करता है, चुनता है फूलों की तरह, और आचार्य स्थापयति, और फिर जो उसकी जो फॉलो करने वो उसके अनुयायी वर्ग हैं उनको आचार में स्थापित करता है। अब प्रश्न आएगा ये आचार क्या है, आचार को भी थोड़ा सा स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आचार क्या है। वो कहते हैं कि अनाचारस्तु मालिन्यम, इस क्रम से जरा उलट के समझ रहे कि अनाचार का मतलब होता है मलिनता, गंदगी, जो उसमें आचारहीनम नपुनन्ति वेदा, आचारहीन पुरुष को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो आचार से आप कुछ अनुमान थोड़ा सा शब्द के अर्थ का आप समझ सकते हैं कि ये आचार क्या है। अनाचारस्तु मालिन, मलिनता से बाहर आना जो है ये आचार है, मलिनता के जीवन में से पवित्रता के जीवन में आना जो है वो आचार है, आचरण है उस। और अत्याचारस्तु मूर्खता, और अत्याचार बहुत ज्यादा किसी वस्तु के पीछे ही पड़ जाना बुरी तरह से, और गलत वस्तु के पीछे पड़ जाना वो अत्याचार है, इसलिए हम अत्याचारी शब्द का
बड़ा ही व्यापक प्रयोग होता है, अनाचार शब्द का प्रयोग कम होता है, लेकिन अत्याचारी का तो बहुत होता है। अत्याचारी हमेशा ही मूर्ख होता है, अति आचार करने वाला है। तो विचाराचार योर युक्त, विचार और आचार में जिसकी एक तालमेल बैठ गया है, सामंजस्य बैठ गया है, विचार और आचार के बीच में जिसका तालमेल बैठ गया है, सदाचारस्य उच्यते, उसे सदाचार कहा जाता है। ये हम कहते हैं कि वो बड़ा सदाचारी है, श्रेष्ठ आचारवान है। तो आचार्य का जो बेसिक था कि आचिन होती जो शास्त्रार्थम, शास्त्रों के अर्थों का अवचय करता है, अवचयन करता है, और उसको चयन करके आचार्य स्थापयत्यपि, वो अपना जो जिज्ञासु है उसको आचार में स्थापित भी करता है, उसको उसके जीना भी सिखाता है, उसको जीने की उसमें ले जाता है। स्वयं प्याचरेदियस्तु, और स्वयं भी आचार में रहता है, ये बड़ी एक महत्वपूर्ण दृष्टि है उसकी। इसलिए हर कोई आचार्य होने की संभावना नहीं है कि वो आचार की चर्चा तो कर ले करेगा, वो आचार की तरह आचार्य की तरह बन तो जाएगा कि हमने मंत्र दीक्षा दे दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और उसमें लेकिन इतने नहीं। आचार्य स्वयं प्याचरेद्यस्तु, स आचार्य इति रीता, और स्वयं जो आचरण करता है वही आचार्य पद का अधिकारी होता है। तो इस आचार्य पद की प्रतिष्ठा ये उस जमाने में बहुत थी, और उसके अंदर ये एक व्यावसायिक विद्या, तब व्यावसायिक नहीं थी जब आचार्य पद की स्थापना हुई, तब उसमें उसका एक ही था कि आचार्य के लिए जो उसका एक आपकी तरफ से जो पुरस्कार था वो एक हम उसको बहुत गहराई से अगर देखते हैं तो उसमें कहते थे कि नहीं, हम आचार्य के सदैव ऋणी रहेंगे, हम उसमें से उसका निष्क्रय कैसे करें। एक निष्क्रय शब्द का प्रयोग है, निष्कृति शब्द का भी प्रयोग है, कि ऐसी कृपा की गुरु ने, ये आप अगर संत साहित्य को भी देखेंगे तो उसमें कबीर के पदों में आता है, जलत अम्ब थम मनुभागा, मैं तो ऐसे भागा जा रहा था जैसे मेरे सिर में किसी ने आग लगा दी हुई है और मैं व्याकुल जलता दौड़ा जा रहा था। तो आगे से उस सदगुरु ने कृपा करके मेरे ऊपर ज्ञान की गागर उंडेल दी और मैं शीतल होकर के स्थिर हो गया, मुझे मार्ग मिल गया, मुझे एक दिशा मिल गई। तो ऐसी उस उपकृति के भाव का प्रकट करने का एक ये बड़ा महात्म्य आज का दिन है, ये उस उपकृति का, क्योंकि भारतीय परंपरा में कृतज्ञता ज्ञापन का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। कृतज्ञता का जो लोग ज्ञापन नहीं करते हैं वो उसको बहुत बड़ा एक अपराध माना जाता है कि मैंने जो कुछ लिया और उससे निष्कृति कैसे हो। निष्कृति के बारे में हमने नहीं सोचा, हम सूर्य से नित्य प्रकाश लेते हैं तो हम उन सूर्य को देवता के रूप में अर्घ्यदान चाहे करें, चाहे सूर्य को प्रणाम ही करें, क्योंकि प्रणाम ही उसका पुरस्कार है, वस्तुओं से उसका पुरस्कार शायद नहीं हो सकता है। वस्तुएं ला करके हम दे दें बहुत सारा, वो करें वो कितना करेंगे, लेकिन सूर्य क्या दे सकते हैं हम। लेकिन हम पृथ्वी से ग्रहण कर रहे हैं लेकिन पृथ्वी को दे क्या रहे हैं। ये पृथ्वी भी उसी प्रकार से माता जिसको कहते हैं माता तीर्थम गुरु तीर्थम गुरु तीर्थो महेश्वर, ये गुरु भी तीर्थ है। इनके लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे जो जैन गुरु परंपरा है, उसने उसमें तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया है, तारे अंति तीर्था, जो लोगों को इस जो पहला जो मंगल श्लोक था वो उस जैन संप्रदाय से संबद्ध ही वो था कि आश्रम से छुड़ाते हैं, ये जो एक आश्रम है जन्म मरण का, ये जो आदमी का जन्म मरण के बंधन की व्याख्या का थोड़ा सा स्वरूप आज के संदर्भ में समझ लेना चाहिए कि ये जो माइंड की जो बहुत ही एक फ्लिकरिंग सिचुएशन है, एक कंपित मन जो है,
एक क्षण में दूसरे क्षण और तीसरे क्षण और चौथे क्षण, ये जो हर वक्त मन का जो एक डिप्रेशन, एक उसका कॉन्फ्लिक्ट है, उस द्वंद्वात्मकता जो है, उससे मुक्ति कैसे आदमी को मिले। वो मुक्ति का उसको आश्रय शब्द के अंदर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रवाह चला हुआ है चारों तरफ से कि मनुष्य एक क्षण के लिए भी अपने आप को एक सही मनों में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो गुरु के साथ चल करके जो एक कायदे से समय से एक संवेदना के साथ, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से या बहुत ज्यादा बौद्धिक अभ्यास करने से उसमें ये एक विनम्रता कैसे आएगी, उसके अंदर एक सही उसकी दिशा है, इसका इसका संकेत कहाँ से उसे मिलेगा, ये बहुत कठिन होता है। इसके लिए यहाँ पर ये परंपरा थी कि ये कृतज्ञता ज्ञापन के लिए कि हमने अपनी पूर्व परंपरा से, ये आज की बात तो है नहीं, इसलिए हमने वैदिक काल से जो शुरू किया, नमो ऋषिभ्यः पथिकृतभ्यः, पथिकृतभ्यः जिन्होंने ज्ञान के विस्तृत अरण्य के अंदर, जंगल के अंदर नाना रास्ते सड़कों को बनाया, रोड्स निकाली उन्होंने, पगडंडियां निकाली उसके अंदर विभिन्न विज्ञानों को आविष्कृत किया, विभिन्न उसमें कलाओं को आविष्कृत किया और आत्मज्ञान को सर्वोपरि उन परा विद्याओं का आविष्कार किया। तो उन सभी के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापन का ये महत्व रहा। और वो कृतज्ञता ज्ञापन की दृष्टि से आप देखें तो इससे व्यास के साथ भी हम परंपरा जोड़ती आई है कि पौराणिक स्थिति से देखें तो उसमें व्यास ने उसको सिर्फ वेदों का ही वो किया है, चार भागों में विभाजित किया, ऐसा नहीं है। उसने महाभारत के अंदर सभी लोगों के लिए वो समस्त तत्व ज्ञान, लौकिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान दोनों तरह के ज्ञानों को महाभारत में, इसलिए लोग कहते हैं कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है फिर, और जो सर्वत्र है, जो कहीं पर है, वो सारे का सारा ज्ञान जो है वो महाभारत में है। और महाभारत को पढ़ने में सभी लोगों का पूर्ण अधिकार उसके अंदर रहा है। इसलिए प्रणामांजलि के रूप में हम व्यास का स्मरण करते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि उल्ला अरविंदायत पत्र नेत्र। व्यास वो फुल्ला अरविंदायत पत्र नेत्र, इनके कमल की तरह खुली बड़ी आंखों वाले हे व्यास, हम आपको आज के दिन प्रणाम करते हैं। दीनतया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञान में प्रदीपा, जिसने भारत नाम से, महाभारत का एक नाम भारत भी है, ये भारत महाभारत के रूप में तुमने एक ऐसा ज्ञान का महादीप जला करके इस ज्योति में रख लिया है कि जिसका प्रकाश संपूर्ण भारत के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर वो प्रकाश अपना आलोक सदा ही देता आ रहा है। तो एक बार ये हम जो कृतज्ञता ज्ञापन की बात करते हैं तो ये एक हमने वर्ष में एक समय रख लिया कि नहीं, उन गुरु लोगों के प्रति, उस गुरु तत्व के प्रति ये कृतज्ञता ज्ञापन जो है ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कृतज्ञता ज्ञापन हम ना करें निष्क्रिय नहीं होगा, निष्कृति नहीं होगी, हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम ये मानेंगे इस बात को कि हमने प्लेजरिज्म के अंदर ही जी रहे हैं सारे के सारा। वो प्लेजरिज्म जो है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता है, वो एक मिथ्या ज्ञान का, वो एक अलग से अज्ञान का स्वरूप ही, अज्ञान का संप्रदाय चला देगा वो। इसलिए उस प्लेजरिज्म से बचने की अपेक्षा ये एक तरह की एक्नॉलेजमेंट है, आज का दिन उन उस गुरु परंपरा को नमन करने का दिन है। प्रणाम संवेशा सुखमल महात्मा पंडित, ये हमारा उनके प्रति एक आज प्रणामांजलि है, और वो प्रणामांजलि उन सभी गुरुओं के प्रति, हमारे आचार्य लोगों ने उसको सर्वजन सुगम बनाने के लिए आगम शास्त्र के अंदर
तांत्रिकों ने चार प्रकार से गुरुओं का निरूपण किया। तो कहा श्री गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, सदगुरु, और कई लोग उसमें सदगुरु के स्थान पर परात्पर गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि सदगुरु बड़ा दुर्लभ है, तो सदगुरु की प्राप्ति बहुत कम लोगों को हो पाती है, तो उसमें परात्पर गुरु तक वो है चलते हैं। श्री गुरु वो है जो हमें एक मानुष देह के रूप में हमें प्राथमिक शिक्षाओं में अग्रसर करता है, काफी दूर तक हमारे साथ वो चलता है शिव गुरु। और दूसरा उसमें परम गुरु जो है, जो हमें उसमें पर विद्या की मंत्र विद्या के साथ साक्षात्कार करा देता है, मंत्र विद्या के साथ मिला देता है। इसलिए उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा अच्छा त्योहार था जो दीक्षा त्योहार था, उपनयन में दीक्षा चलती थी, ये उसमें दीक्षित होना पड़ता। दीक्षित होने का मतलब कोई कंपल्शन नहीं थी, दीक्षा को लोगों ने व्यवसाय बना लिया, ये गड़बड़ बहुत हो गई उसके अंदर। वो गुरुत्व का उसके अंदर एक थोड़ा विकृत हो गया हिसाब किताब। वो दीक्षा क्रम के अंदर मंत्र साधना से आपको जोड़ दिया है, और मंत्र साधना में मंत्र शब्द को थोड़ा और खोलेंगे तो मंत्र साधना में फिर तीसरा गुरु जो है श्री गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु क्या है कि स्वयं मंत्र जो है, मंत्र ही आपको परिचालित करने लगता है, मंत्र जो है वो आप परमेष्ठी गुरु है। और उसमें परात्पर गुरु जो है वो जो आपका चक्षु उन्मीलितम येन, जो आपके चक्षु का उन्मीलन कर देता है, वो मंत्र ही आपके आगे जब स्फुट हो जाता है। मंत्र जो है जिसे हम कहते हैं ना कि ये वो वेदांत के अंदर ये परंपरा है कि अगर उसके कान में ये शब्द सही उसमें स्थिति के अंदर गुरु का ये शब्द वाक्य जो है, गुरु का वचन उसके कान में ये चला गया कि तुम ब्रह्म हो, तुम पदभर पदरज भर भी नहीं है पूरा ये विश्व, जागो फिर एक बार। अरे ये पदरज भर भी नहीं है पूरा यह विश्व भार, ये तुम तुम्हारे अंदर का जो पोटेंशियल, तुम्हारे जो शक्ति है। मैं शक्ति का ऐसे प्रयोग नहीं कर रहा हूं, आगम शास्त्र के अंदर उन्होंने श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति, सभी गुरुओं का गुरु सर्व कारण भूता, सर्व कारण भूत, सबका कारण भूत जो शक्ति है, ये शक्ति ही मौलिक गुरु है, ये मूलतः वही सबसे बड़ा गुरु है। और ये शक्ति की ही चतुर्विधा, ये चार प्रकार के बाकी के गुरु हैं उनको क्रम से उसका निरूपण कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये जो एक परंपरा चली, ये अमित परंपरा के अंदर ये नमो गुरु गुरुपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। श्री गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, सदगुरु। लेकिन कश्मीर शैव शास्त्र में गुरु के उन्होंने भी गुरु की चार प्रकार से परंपरा मानी। उत्तर भारत के अंदर शाक्त क्रम से, दाक्षिणात्यों से, और उत्तर भारत के बहुत से भाग में शाक्त क्रम से गुरु परंपरा का अनुमोदन होता रहा। तो उधर उसने कश्मीर परंपरा के अंदर भी चार प्रकार के गुरुओं का उन्होंने निरूपण किया, और उनके पास उनके उनका अनुकरण करने की प्रेरणा उसमें देते हुए कहा कि एक सांसिद्धिक गुरु होता है। ये सांसिद्धिक गुरु जो है इसको वो कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गुरु जरूरी नहीं है, ये आत्म पराविद्या के क्षेत्र में जाने वाले जो गुरु हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन स्वतः उनके अंदर एक प्रतिभा का उन्मेष होता है। वो अपनी प्रतिभा से वो शास्त्र को स्वतः ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने उस क्रम से जमातें पास नहीं की होती हैं कि 1 2 3 4 5 ये स्टैंडर्ड्स में ऐसे वो इस
क्रम से नहीं गए होते, लेकिन उनमें एक अनुग्रह रूप, ईश्वरीय अनुग्रह के रूप में उनके अंदर एक जो प्रतिभा का उन्मेष हो जाता है, उस प्रतिभा का उन्मेष होने से वो स्वतः जो बोलते हैं वो शास्त्र को ही बोलते हैं। लेकिन उन्होंने यद्यपि लोक दृष्टि में शास्त्र को उस ढंग से पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो एक तरह से एक ईश्वरी साक्षात शिव के अनुग्रह का ही स्वरूप रहता है उसमें सांसिद्धिक गुरु के अंदर। और उसके दूसरे गुरु की वो अकल्पित कल्पक करके गुरु को दूसरे पद के ऊपर रखा है, वो लगभग सांसिद्धिक गुरु जैसे ही हैं, लेकिन वो शास्त्र ज्ञान को भी उन्होंने हस्तगत किया है। शास्त्र ज्ञान में होते हुए भी शास्त्र ज्ञान के साथ उनके अंदर वो सांसिद्धिक गुरु वाला भी 50% उसका अंश जो है वो भी उसके अंदर विद्यमान आ जाता है। प्रतिभा का उन्मेष भी होता है और शास्त्र भी वो लोग होते हैं। तो उसको ये अकल्पित कल्पक करके उस गुरु की दूसरी परंपरा का उन्होंने नाम रखा, और तीसरा रखा उन्होंने कल्पित गुरु। कल्पित गुरु वो हैं जिनके पास आप क्रमशः ये शब्द का आप अध्ययन करते हैं, उसकी मार्गदर्शन के अंदर चल करके आप क्रमशः शास्त्रों को समझते हुए पढ़ते हुए क्रम से आप अग्रसर होते हैं, और शास्त्र परंपरा से ही वो जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो धीरे धीरे उसका उन्मेष जो है उन लोगों को भी दीक्षित करने का अधिकार है। ये दीक्षा के अधिकार में ही इसकी चर्चा अभिनव गुप्त ने की है। ये सांसिद्धिक गुरु जो है वो तो सभी स्थितियों में दीक्षित करने का उनको अधिकार है, लेकिन जो अकल्पित कल्पक गुरु हैं उनको भी दीक्षित करने का अधिकार है, और जो कल्पित गुरु हैं वो भी दीक्षित कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आगमिक नैगमिक परंपरा शास्त्र परंपरा के अनुसार वो लोग भी शास्त्र का जो जिस तरह से लोक के अंदर वो शास्त्र को सही रूप में व्याख्यात करते हैं, लोगों के संशय का निवारण कर सकते हैं, और वो आचार से वो उस तरह के वो उनमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है, तो उनको भी दीक्षित करने का अधिकार है। और फिर एक चौथी कैटेगरी में उन्होंने अकल्पक कल्पित करके भी एक उन्होंने गुरु का चौथा भेद किया है, कि जिसके अंदर ये कल्पित गुरु के भी गुण होते हैं, शास्त्र के भी होता है, लेकिन शास्त्र के बिना भी वो चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से चार प्रकार के गुरुओं की बहुत संक्षेप में मैंने इस परंपरा का निरूपण आपके सामने रखा है कि शैव लोग भी चार प्रकार के गुरुओं की कल्पना है, और ये गुरु जिनको दीक्षित करने का जिनमें सर्वथा सामर्थ्य रहता है। तो ये लोग आम साधारण आदमी के जीवन में हमारे जो सामाजिक परंपरा रही है उस सामाजिक परंपरा के अंदर ये लोग इतने दुर्लभ नहीं होते थे। तब वो सहज उन लोगों से इसलिए रहते थे कि वो अपना अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं रखते थे। बैंक बैलेंस रखने से समाज से आदमी कट जाता है, वो अपने अर्थ के साथ ज्यादा जुड़ जाता है। ये लोग थे जो सहज रूप में लोगों के गांव में ऐसे भगवान दत्तात्रेय की बात करते हैं हम और दूसरे गुरुजनों की बात करते हैं, कि वो गांव में किसी के यहाँ भी चले गए कि भाई है तुम्हारे पास है कुछ भोजन करने को है तो लाओ। और ये क्योंकि अगर अपना उसका मठाधीश्वर है बहुत मठपति है तो वो एक प्रकार से वहां से सुरक्षित एक सीमित बन जाएगा, लेकिन ये लोग तथागत के रूप में यात्रा करने वाले क्यों आए नहीं कुछ पता नहीं क्यों आए और क्यों चले गए। तथागत वैसे ही चले गए, कोई उसमें नहीं था, सिर्फ उसमें भोजन किया और उससे निष्कृति के रूप में लोगों के बीच में ये शंका निवृत्ति के लिए ज्ञान की वृद्धि के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम
इसी कारण से इन गुरुओं के लिए ये हमारी परंपरा लोकनाथ शब्द का प्रयोग करती रही है कि ये लोग लोकनाथ रहे। ये सिद्धों में, नाथों में, बौद्धों में भी ये गुरु परंपरा उसी प्रकार से चलती रही है कि ये गुरु लोग जो हैं साधारण जन के प्रति इनमें उस प्रकार का कोई लोभ की दृष्टि नहीं है, कुछ उसमें ये केवल मात्र अनुग्रह दृष्टि है कि सभी लोग जो हैं जैसे मुझे सुविधा प्राप्त हुई है, जैसे मैंने उड़ना सीखा है, इनमें से भी कोई उड़ना सीखे लोग, ये इनकी अनुग्रह अनुकंपा दृष्टि इस प्रकार से रही है। तो ये परंपरा मैं समझता हूँ कि वैदिक काल से आचार्य परंपरा में से प्रारंभ होकर के उस दीक्षा क्रम को साथ लेकर के दीक्षा से अभिप्राय बहुत जटिलता लोगों में, क्योंकि होता क्या है कि ज्ञान के साथ एक विडंबना है कि ज्ञान जब आता है तो उसका सर्वलोक से संबंध कई बार खंडित इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो गुरुपद में अपने आप को अभिषिक्त कर लेता है वो स्वयं एक उस मठाधीश्वरता के अंदर अपने को बंदी बना लेता है। उसके प्रति ये देखिए वशिष्ठ जैसे गुरु कहते हैं राम जी को, योग वशिष्ठ के अंदर संकेत करते हैं गुरु वहवस्ताद शिष्य वित्ता पहाड़ का। राम जी देखो गुरु बहुत होते हैं लेकिन शिष्य वित्तापहार का, शिष्य के धन का अपहरण करने वाले गुरु ज्यादा होते हैं। विरलास्तु विचारिये शिष्य संतापहार का, बहुत विरल गुरु होते हैं जो शिष्य का संताप हरने की चिंता। अब ये शिष्य का संताप हरने की चिंता जिस गुरु को है उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो किसी को दुखी देख नहीं पाता है, वो अज्ञान में जीते हुए लोगों को, अज्ञान से आवृत जंतुओं को निकालने में एक उसका एक सहज एक स्पॉन्टेनियस जिसे हम कहना चाहिए एक स्वाभाविक उसकी संवेदना बनती। इसलिए ये विद्या के साथ साथ हमने कहा कि विद्या तो अवश्य विद्या प्राप्य है, ये तीन जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से जिसे हमने एक सूत्र बनाया सच्चिदानंद, इसमें सतरूप में विद्यमान कौन है, शिष्य जो है वो सतरूप में है और चित्रूप जो है वो ज्ञान है, चैतन्य है, चित्रूप गुरु है और जो आनंद है वो इष्ट देवता है जिस परमात्मा के साथ मिलना है उसे, ये एक टिकड़ी बनती है, एक त्रय है कि अधिकारी शिष्य सदरूप में उपस्थित है और उसके अंदर चैतन्य रूप गुरु बीच में उसके साथ बैठा है और तीसरा पक्ष जो है वो उसमें इष्ट देवता है। इसलिए जप आदि करने के अंदर साधनाओं के अंदर भारतीय धर्म साधनाओं के अंदर उन्होंने कहा गुरु शिवरी संचिन के, गुरु को मस्तक में ध्यान करे आज्ञा चक्र के ऊपर से वो ध्यान करना चाहिए और विद्या तत्व का ध्यान जो है जिह्वा में मुख में विद्या तत्व का ध्यान करना चाहिए और हृदय में वो उस विद्या का जो अधिष्ठाता जो भी ब्रह्म है देवता है उस इष्ट तत्व का ध्यान करना चाहिए और फिर उससे आपको अपना ये जप का क्रम सांसों का जप ये क्रम सीखना चाहिए। इस सांसों के साथ जप कैसे होगा नहीं होगा इसलिए इसका जो संत परंपरा के अंदर भी इसको उन्होंने कहा कि ये जो जप के रूप हैं, जप के उन्होंने संकेत किया ये जो है कंठ का जाप पिपीली का ये जो बोल बोल करके ही जप है ये तो एक पिपीली का मार्ग है, चींटी का मार्ग है, बहुत स्लो बहुत ही धीरे और कहीं बंद भी हो जाता है। श्वासा का है मीन श्वासों के साथ जप करने वाले, अब सांसों के साथ जप करने की प्रक्रिया को आपका कोई निर्देशक अवश्य जिसके साथ आप थोड़ा सा उस संवेदना को शेयर भी कर सकें बता सकें अपनी समस्याओं। और सुरति जाप व्यंग है और सुरति जाप जो है
ये श्रुति का अपनी चेतना को, इसका अभिप्राय क्या है कि आकाश धर्मिता को अपने अंदर ले आना, इसे चंद्र के अंदर खेचरी का, खेचरी का अर्थ क्या है, आकाश में चरण करने वाली जो आपकी वृत्ति है, खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा का अर्थ है आकाश, आकाश के अंदर उसको जो सुरत मुद्रा है वो विहंगम मार्ग, वो पक्षी विहंगम योग है। इसलिए ये सूरत जाप विहंग है, जानत परम प्रवीण, ये परम प्रवीण तो ये संतों में भी गुरु का बहुत महत्व, बहुत महान उसमें है गुरु के आगे। अब वो करते हैं कि नहीं, देखिए मैं क्या कहूँ आपको, गुरु के प्रति निवेदन करते हैं और वो निवेदन करते हुए ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हे गुरुदेव, आपने मुझे जो आत्मज्ञान दिया, जो मुझे इसको इस प्रकार से कृतार्थ किया है, तो मैंने मन में सोचा कि मैं अब चिंतामणि पारस कल्प धरु काम धेनु, कि मैं आपको उसके बदले में निष्क्रिय निष्कृत होने के लिए मैं आपको चिंतामणि ला के रखूँ, कामधेनु ला के रखूँ, या स्वर्ग का कल्प वृक्ष रखूँ, या पारस पत्थर आपको गिफ्ट करूँ। तो लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये सारे तो चारों के चारों जो है ये मेरी चेतना को ये ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर सकता कोई भी इनमें से, ये तो फल देने वाली चीजें, ये फिर भौतिक की भौतिक ही रह जाएंगी। लेकिन आपने तो मुझे जो ज्ञान दिया, जब मैंने देखा कि ये सारी वस्तुएं आपके उस ज्ञान दिए हुए ज्ञान के समक्ष बहुत ही तुच्छ है, तो मैं केवल मात्र आपके आगे सिर्फ नमन किया, मैंने सिर झुकाया अपना, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि उल्ला अरविंदायत पत्र नेत्र, मैंने तुम्हारे उस तत्व ज्ञान के बदले में केवल मात्र क्या दे सकता था, कुछ नहीं दे सकता था, तो मैंने सिर्फ प्रणाम ही कर दिया, प्रणाम संवेश सकल। वो जो है उस प्रकार से गुरु के इस दिए हुए जो एक जो कृतार्थता, उसके प्रति जो कृतज्ञता, प्रकाशन का दिन है कि हमारी परंपरा में एक बहुत सुदीर्घ काल से एक जो ज्ञान की परंपरा चलती आई है, और प्रत्येक व्यक्ति को इसका अधिकार मिला है कि भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ है उसका जन्म कर्म और कर्म द्वारा मोक्ष, कर्म के आगे जो दो ही वस्तुएं हैं, सत्कर्म करे, श्रेष्ठ कर्मों के लिए ये भोग भूमि नहीं है, कर्म भूमि, कर्म भूमि रियम ख्याता, ये कर्म भूमि है, शेषास्तु भोग भूमिया, बाकी भूमिया जो है वो भोग भूमि। तो इस तरह से एक पुरानी परंपरा एक हजारों वर्षों से अनादिकाल से ऐसा चला आ रहा है, जहाँ पर तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अगर ज्ञान नहीं देगी तो वो निष्क्रिय, जो उसने लिया हुआ है उससे निष्कृति नहीं होगी उसकी। इसलिए उन ऋणों की कल्पना की गई, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और गुरु ऋण, जो ऋषि ऋण है ये गुरुओं का ऋण है, ये आचार्य का ऋण है। तो इसी तरह से जैसे उसने मुझे ज्ञान दिया, ऐसे ही मैंने ज्ञान अग्रसर किया, इस अग्रसरता के बिना ऐसी कृतज्ञता ज्ञापन होगा, निष्कृति नहीं होगी। तो वो एक संकेत दिया, ऋणानी तीन्यपाकृत्य, इन तीनों ऋणों का पहले अपाकरण करे, उस विद्या को, प्राप्त हुई विद्या को आगे संप्रदाय क्रम से ईमानदारी से उसको आगे पास ऑन करके, ऋणानी तीन्यपाकृत्य मनो मोक्ष, फिर आपको मोक्ष में जाने का अधिकार है। पहले ये तीन ऋण जो हैं, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, इन तीन ऋणों से अपने को मुक्त करने का एक अधिकार है। तो मैं समझता हूँ कि ये उस ऋणों की स्वीकृति का एक, ये अनुकृति का, ये जो हमारे ऊपर अनुग्रह रहा है उस आर्ष परंपरा का, गुरुओं की परंपरा का, ऋषियों की परंपरा का, महात्माओं की परंपरा का, उसमें मनुष्य गुरु के रूप में भी है, उसमें मातृ रूप गुरु भी है, पितृ रूप गुरु भी है, आचार्य रूप गुरु भी है। गुरु के समस्त रूपों के प्रति आचार्य का दिन एक कृतज्ञता प्रकाशन का दिन है। और मैं समझता हूँ कि हम
इसके लिए ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ब्रह्म ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्माहमस् ओम शांति शांति। धन्यवाद आप लोगों के प्रति, आप लोगों के साथ मैंने जो समझ में आई बात मैंने शेयर करनी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सारे नए आयाम गुरु की अवधारणा के साथ भी, गुरु परंपरा के साथ भी जुड़ी हुई कई सारे आयाम आपने हमारे साथ साझे किए हैं, जो कम से कम मेरी जानकारी में नहीं थे। ये जो चार भेद परवर्ती काल में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे पूर्व कि मैं कुछ एक प्रश्न या जो भी राय है श्रोताओं की, प्रतिभागियों की, उससे पूर्व मैं एक संक्षिप्त सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि गुरु शब्द तीन प्रकार के परंपराओं से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। एक ऋषि गुरु, जो ऋषि गुरु के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी। दूसरा, हमें संत गुरु दिखाई देते हैं, जैसे कबीर, पीपा, दादू और ये सारी परंपरा में, संत साहित्य में। और तीसरा जो है, एक बिल्कुल अलग क्लास हमें सिख गुरुओं में दिखाई देती है, जहां पे संत और योद्धा वो मिक्सचर, एक समन्वय है वहां पे। तो इन तीन के ऊपर अगर कोई आप एक संक्षिप्त सी एक टिप्पणी थोड़ी सी कर सकें कि एक तरफ ऋषि गुरु हो गए, एक तरफ संत गुरु हो गए, और तीसरी तरफ ये जो संत योद्धा का प्रारूप हमें दिखाई देता है इधर सिख गुरु में, तो अगर इस ये इसके ऊपर ये प्रश्न ठीक है, बहुत उसमें सामयिक प्रश्न है, पर उसमें ऋषि गुरु की स्थिति ये थी कि वहां पर बहुत देर तक आर्ष परंपरा में लोग जो थे वो विद्या के प्रति इतने समर्पित थे कि उसमें एक परंपरा से भी अग्रसर जो ज्ञान होता था वो पैतृक परंपरा से ज्ञान जो है वो काफी देर तक अग्रसर होता रहा इसी क्रम से। इसलिए आर्ष क्रम में जितने की पिता से पुत्र और शिष्य बाद में आया, शिष्य की स्थिति पुत्र ही शिष्य बन जाता था, ऐसे उसके अंदर बहुत सारे ये उद्दालक और श्वेत केतु जैसे उसमें संवादों में आपको मिलेगा, उसमें चिकेता आदि के उसमें, तो वो वहां पर ज्ञान को एक बहुत विशेष रूप से जीवन की सार्थकता की तलाश जो थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। जीवन में सार्थकता का एक अनुभव हो, ये तलाश ने गुरु और शिष्य की जोड़ी को उत्पन्न किया है, क्योंकि बहुत लोग जो है बहुत सारे प्रयास करके भी, बहुत सारी उसमें दुनिया भर के पापड़ बेल करके भी, लेकिन उसमें जिसे कहते हैं कि चित्त पर्याप्ति, एक शब्द है, चित्त पर्याप्ति का मतलब क्या है कि हाँ मन में कृतार्थोस्मी 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 भगवान बाबा, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे अब न इस दुनिया से जाने में कोई भय है, न मुझे इसका कोई डर है, मुझे इससे जो चरितार्थता आनी थी मेरे जीवन में वो चरितार्थता आ गई। ये चरितार्थता का जो जीवन को चरितार्थ करने के लिए ये जुगलबंदी बनी गुरु और शिष्य की। गुरु को भी चैननी पड़ती थी शिष्य को बिना ज्ञान दिए, ऐसे रेसिडेंट से मुक्ति तभी होगी कि अगर वो अपने ज्ञान को आगे पास ऑन करेगा, और सबसे ज्यादा निकट उसके उस वक्त, क्योंकि एग्रीकल्चरल सोसाइटी के अंदर पिता से पुत्र सहज ही ग्रहण करता रहता है, अगर उसका संस्कार ठीक है तो उसमें वो ग्रहण करता चलता है। और ये कल्चर जो थी, भूमि माता पुत्रो हम पृथ्व्या, ये भूमि को माता कहने के पीछे कोई ये नेशनल या इंटरनेशनल कोई ऐसा चक्कर नहीं था उस समय, पृथ्वी को माता कहने के पीछे पृथ्वी को वो सजीव, उसमें मृत्यु के हर में पापम, इस मिट्टी को, ये धरती को जो स्पर्श करते थे तो उसके बारे में कई सूक्त हैं जिस तरह से,
कि पृथ्वी जो है उसके प्रति वो प्रणाम करती है। जैसे पृथ्वी में बीज बोया, ऐसे ही पिता ने पुत्र की चेतना के अंदर एक उस आत्म चेतना का वो जो उसने परंपरा से प्राप्त किया उसको अग्रसर कर दिया, उसने आगे अपनी परंपरा को अग्रसर कर दिया। तो आर्ष परंपरा में ये ऐसा होने से वो जो रिटन वर्ड है उसके ऊपर वो ज्यादा निर्भर नहीं करते थे, क्योंकि वहां एग्रीकल्चरल सोसाइटी के अंदर समाज का जो परिवार था, परिवार का जो एक वर्ग था वो एक बड़ा वेलनिट था, पूरी तरह से संगठित था। तो इसलिए वहां पर न पखंड की गुंजाइश थी ज्यादा, ना कोई उस तरह के व्यापार की जरूरत थी, ना कुछ भी नहीं था। एक सहज ज्ञान जो था वो एक जैसे सहज नदियां बहती हैं, बारहमासी नदी बहती है, ऐसे एक जीवन बहता रहा उस हमारे ये जैसे हम कहें कि जो एक हमारा कृषि समाज था, जो एग्रीकल्चर वैदिक समाज था। उसके आगे चल करके फिर ये थोड़ा सा आया कि उसमें जो वर्ग शहरों का वर्ग था और उसके अंदर जो दूसरे लोग थे उन लोगों में कई संवेदनशील लोग पैदा हो गए। उन संवेदनशील लोगों के अंदर भी जो बिजनेस करने वाले लोग थे, बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो थे, वो नगरों में 7-8 नगरों का निरूपण हम बराबर करते हैं प्रातः काल डेली, उसमें ये करते थे कि ये पूरी द्वारावती सप्तहिता मोक्षदायिका, इन नगरियों का नाम भी स्मरण करेंगे, हम नदियों का नाम भी स्मरण करेंगे, इसका भी स्मरण करेंगे। तो फिर हमने शहरों के अंदर भी उस परंपरा को इंट्रोड्यूस किया। उस इंट्रोड्यूस करने के पीछे ये जैन मुनियों का, बौद्धों का, उनके अंदर भी ये परंपरा को, गुरु परंपरा को स्वीकृत किया गया उसमें, और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो थे बोधिसत्व के रूप के अंदर भी उसमें गुरु परंपरा को अग्रसर करते रहे, सिद्धों में भी रहा। तो ये परंपरा जो थी इसमें थोड़ा सा वो जो पूर्व एग्रीकल्चरल परंपरा थी जिसके अंदर संन्यास नाम की भी वस्तु नहीं थी, एक गृहस्थ का सामान्य धर्म था, गृहस्थ में एक सहज जीवन चल रहा था, यहाँ पर आकर के थोड़ा सा ये एक संन्यास का मार्ग का प्रवर्तन आगे जाकर के होता है। और संन्यास के मार्ग से कुछ लोगों को उसमें लोक जीवन के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जीने की एक परंपरा चल पड़ी। तो वो परंपरा जो थी वो सामान्य परिस्थितियों के हिसाब से वो गुरु परंपरा उस ढंग से आचार्य परंपरा से वो गुरु परंपरा के अंदर देखते हैं हम कि कैसे परिवर्तित होती है। और ये जैसे आप देखेंगे सिख परंपरा के अंदर सिख गुरुओं की जो परंपरा है, उस परंपरा के अंदर भी आप देखें तो वो सारी परंपरा जो है शब्द उनका महत्वपूर्ण है। अब वो कहते हैं कि नहीं, गुरु को एक मर्त्यम गुरुम न बुद्धेत, मर्त ही नहीं समझे उसको, गुरु को मर्त नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शब्द ही गुरु है। ये जो तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, ये वैष्णवों ने कहा कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये वाङ्मयी मूर्ति है, शब्द मूर्ति है, ये भगवान कृष्ण की ये शब्द मूर्ति है। और दूसरी तरफ वो भी है कि ये सब जो वाणी है ये यही गुरुओं की गुरु है, यही सब शब्द ही गुरु है। ये शब्द गुरु जो है वो क्या, क्योंकि गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है, गुरु की जो प्रज्ञा आविर्भूत हुई है शब्द के माध्यम से। तो वो जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर से नागरिकता की ओर बढ़ते हैं तो उसमें वो वन की जो परंपरा थी, वन की परंपरा जो थी हमारी, उस वन परंपरा में ये था कि आपके गुरुकुलों की स्थापना भी वन में होगी, आप जाएंगे वन में आरंभ में भी और अंत में भी, वानप्रस्थ की तरफ भी वन की ओर ही आप, उसमें वनों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था उस एग्रीकल्चरल सोसाइटी का। तो वो जो जेन्युइन सोसाइटी समाज था उसमें, और इसमें जो आगे इतिहास में जैसे आगे बढ़ते गए तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक ऐसे समुदाय की अपेक्षा थी
कि जो नगरों के बड़े बड़े महानगरों की और बड़े बड़े श्रेष्ठी लोगों की चेतना को भी जागृत करे, वो लोगों के अंदर आने वाली समस्याओं का कैसे उद्बोधन करे, उस उद्बोधन के अंदर ही ये संत और गुरु की जो सिपाही की परंपरा थी उसमें जिस तरह से वो निरूपण आता है कि उसको दशम गुरु ने 5 शिष्यों को वो अमृत छकाया, दीक्षित किया अमृत दे करके, और फिर उनसे कहा कि अब तुम मुझे छकाओ। तो ये जो एक तादात्म्य स्थापित करने वाली बात आई उसके अंदर, कि आत्मसमर्पण का बोध जो है वो इस तरह से जागृत करना, तो वो एक ऐतिहासिक क्रम में हम आचार्य परंपरा से उसमें से ये सिद्ध परंपरा के अंदर, नाथ परंपरा के अंदर से, गुरु परंपरा का, गुरु शब्द का प्रयोग संत साहित्य में ज्यादा प्रयोग हुआ है, और उसमें गुरु शब्द के अनुसार ही ये गुरु शब्द अंधकार है, शायद गुरु शब्द निरोध है वगैरह इस तरह की व्याख्याएं की। हालांकि गुरु शब्द के मैंने अंधकार संस्कृत में श्लोक तो है, और भूपद का अर्थ कैसे होगा, अंधकार कैसे होगा, और रूप जो है वो कैसे होगा, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मुणादि सूत्रों से संस्कृत के व्याकरण लोग जो है वो बनाते हैं, तो उस तरह से व्याख्या, और वो लोगों को अपील करती है कि शिष्य के अंधकार को जो रोक ले, उसकी अभिज्ञा को रोक ले। तो वो उसमें आचार्य शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। वैष्णव लोगों में आचार्य शब्द का प्रयोग होता रहा, ऊपर रामानुजाचार्य, ये निम्बार्काचार्य, बल्लवाचार्य, ये उसमें क्योंकि श्रुति की परंपरा के साथ अपने आप को इन्होंने एक संगठित रखा, तो वहां पर वो आचार्य परंपरा को श्रुति के कारण ये जोड़ रखा, लेकिन उसके समानांतर ही उसके लिए गुरु पद का जो प्रयोग है ये भी पौराणिक परंपरा में, इसमें पौराणिक परंपरा में गुरुपाष्टि, ये उसमें तंत्र के अंदर, आगम के अंदर गुरुपाष्टि, गुरु का ये गुरु के साथ और मंत्र के साथ इनके साथ ऐक्य स्थापन करना, इसी से उसमें होगा। तो गुरु में थोड़ा सा एक पर्सनल टच आ गया ज्यादा, शिष्य का और गुरु के बीच में एक, जैसे हम कई बार ईश्वरवाद की व्याख्या आज के संदर्भ में करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक एब्सोल्यूट गॉड जो है आपने मान लिया, लेकिन एक जो ईश्वर का स्वरूप है वो एक, जैसे मेरा एक व्यक्तिगत संबंध, जैसे पर्सनल गॉड जो है उसके साथ मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप मुझे अनुभव होना चाहिए। तो पर्सनल रिलेशनशिप का अनुभव कराने के लिए उस समय ये गुरु पद का प्रचलन ज्यादा हुआ, और गुरु का ये था कि वो अपने संप्रदाय के लोगों को, उसके साथ जो वो संप्रदाय का ईश्वर जो भी इष्ट है उसके साथ वो उनको जोड़े और उसकी चेतना को जागृत करने का मकसद था। तो ये शब्द थोड़ा प्रचलन में तांत्रिकों, शैवों, शाक्तों की परंपरा से गुरु पद का प्रयोग हुआ, क्योंकि शाक्त भी संप्रदाय बना और शैव भी संप्रदाय बना, वैष्णव भी संप्रदाय बना, तो संप्रदाय में गुरु शब्द का ज्यादा प्रयोग में समय आना शुरू हुआ। लेकिन कोई उससे नमो गुरुभ्य गुरु पादुकाभ्या नम परिभ्य पर पादुकाभ्या, तो गुरु की भिन्न भिन्न रूपों को स्वीकार जो है वो तांत्रिकों और शैवों शास्त्रों ने स्वीकार किया। ठीक है, धन्यवाद। अभी जो जुड़े हुए प्रतिभागी हैं, यदि किसी की कोई राय है, कोई टिप्पणी या कोई जिज्ञासा अगर कुछ भी है, तो आप लोग अपने को अनम्यूट करके एक एक करके पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम इस एक दो सूचनाएं के साथ मैं आप लोगों के साथ इस मीटिंग को पूरा करूंगा। यदि किसी की कोई जिज्ञासा है या कोई राय है या कोई और सूचना ऐसी दे सकते हैं तो आप।
अपने को अनम्यूट करके आप कह सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है अभी कोई प्रश्न या जिज्ञासा हमारे साथ नहीं है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन उससे पूर्व एक तो सूचनाएं आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरा प्रयास था पिछले, क्योंकि 31 जून को ये जो सिस्को वेबएक्स है इसकी अवधि समाप्त हो गई थी और इन्होंने 50 मिनट कर दी थी। मुझे 2-3 दिन, ये 4 दिन जो लग गए हैं वो इसी खोज में लग गए हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी संदर्भ में फिर 2-1 सॉफ्टवेयर्स को मिला करके, क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी जरूरी थी इसलिए अब उसके साथ इसको प्रयोग के तौर पर हमने आज ये किया है, और आगे भविष्य में अगर ये सफल, आज का ये प्रयोग सफल हो जाता है तो इसको कंटिन्यू भी करेंगे। और एक दूसरा जो सॉफ्टवेयर कल देखते हैं प्रयोग करके, यदि वो जियो मीट अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो कल उसके ऊपर हम प्रयोग करके देखेंगे, तो फिर उनके साथ हम कंटिन्यू अपनी जो चर्चाएं हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। आने वाले जो विषय हैं उनमें कई तरह के अलग अलग प्रकार के विषय हैं, जिनमें पंच महाभूतों के ऊपर, फिजिक्स और भारतीय परंपरा, कॉन्शियसनेस के ऊपर, इसी तरह से अन्य कई और विषय हैं जो मुझे लगता है कि हमारी चर्चा के आधार बनेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और धर्मशास्त्र आदि आदि इस तरह के विषय हैं। तो जानने के लिए, विचार करने के लिए हमारे पास बहुत बहुत सारा क्षेत्र खुला हुआ है, तो आप लोगों को मैं सूचित कर दूंगा जैसे भी इसके परिणाम होंगे, आज के परिणाम होंगे, और साथ ही जो मैंने ग्रुप लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था, इनवाइट लिंक, उसमें आप जुड़ जाएं, क्योंकि मैं बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है कि जिन लोगों की कोई रुचि नहीं होती उनको अनावश्यक हम सूचना देते रहें तो उसका कोई लाभ नहीं है, तो इसलिए वो ग्रुप इन्वाइट में जितने लोग जुड़ेंगे उन तक ही मैं सीमित रहना चाहता हूँ, क्योंकि कोई कंपटीशन तो है नहीं कि भाई हमारे पास 100 लोग जुड़े और फिर उसमें से इतने लोग जुड़ गए तो हमारी कोई वाह है, केवल ज्ञान की बात करने की रुचि की से संबंधित हम लोग हैं। दूसरा है कि इसमें रजिस्ट्रेशन लिंक सर्टिफिकेट के लिए डाल दिया था, उसको आप लोग शेयर भर लीजिए, लेकिन इससे बाहर कृपया किसी के साथ ना करें, उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो फिर एक कठिनाई पैदा होती है कि जुड़ने वाले लोग कम हैं और सर्टिफिकेट वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो वो एक इम्बैलेंस हो जाता है, तो कृपया उसको मत करिएगा। और उसी लिंक में जो, जब आप उस ग्रुप से जुड़ेंगे तो मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कल एक बार हम लोग फिर जुड़ेंगे, विषय चाहे कुछ भी रखें या चाहे आपस में ही चर्चा करें कल, तो उसको मैं एक बार प्रयोग करके देखना चाहता हूँ, तो वो लिंक मैं आप लोगों के साथ कल मॉर्निंग में शेयर करूंगा, यदि वो जियो मीट का होगा या ये गूगल मीट का होगा, जैसे भी होगा वो कल सुबह आप लोगों को एक बार सूचित करूंगा। कल पुनः एक बार 10:30 बजे जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोग अब मीटिंग छोड़ सकते हैं, अपना लिंक जो है उसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। जी जी, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, प्लीज आप, क्योंकि वो दूसरे सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए आप कोई और ध्वनि जो शोर है वो मत कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ फिर वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग में चली जाएगी, उसका कोई लाभ नहीं है। तो यू कैन लीव द मीटिंग, एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू लीव द मीटिंग। कल का लिंक जो है वो कल सुबह मैं शेयर करूंगा, और विषय भी आपके साथ मैं शेयर कल कर लूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।